कैसे गिरा भाई? पता ही नहीं चला। तो यार वो होती है ना आगे, वो जो स्ट्रिप जैसी, उस पे स्लिप हो गए। ओहो, पैर पैर बैक। भाई उठा दो जरा, पानी सुन ले, पानी ले। हैं देख रहे हो क्या हालत की है इस बंदे ने? इंपैक्ट देखो, इतना क्रैश भी हुआ है। ये दिखा जरा, एक मिनट दिखा, ये देखो खून। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस क्या हाल तुम सबका? आई होप तुम सब बढ़िया ही होगे यार। फाइनली गाइस, फाइनली कब से बोल रहा हूँ मैं तुमको कि हम कश्मीर जाने वाले हैं, विंटर बाइक ट्रिप करने वाले हैं। एंड सीरियसली बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कब से बोल रहा हूँ मुझे खुद याद नहीं है, ठीक है? तो अभी तुम्हें बता दूँ, आज फाइनली वो दिन है जब हम निकलने वाले हैं। सबसे पहले बता दूँ, पहले हम सुबह 6 बजे निकलने वाले थे, फिर नहीं निकले बिकॉज सर्दी बहुत ज़्यादा थी। एंड फिर बोल रहे थे 10 बजे निकलेंगे, बट अभी 12:30 बज रहा है, बट अभी तक नहीं निकले। मैं इनको सुबह से बोल रहा था गाइज कि हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, जल्दी इन द सेंस 8-9 बजे तक। अब हम लेट हो गए तो हम रात में पहुँचेंगे, तो मुझे रात में चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइज यार। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है रात में चलने से, तुम्हें पता नहीं चलता कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे क्या है, बिकॉज कश्मीर का रास्ता ही ऐसा है, ठीक है? तो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट सिदरा की, और वहीं पर मीटिंग पॉइंट है, ठीक है? मेरे बैग्स वगैरह तैयार है। इन टोटल मैं 3 बैग्स ले रहा हूँ। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कौन कौन से बैग्स ले रहा हूँ। तो गाइज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइज वीडियो को पूरा देखना। एंड तुम्हें बता दूँ, बहुत ज़्यादा क्रेजी सीन्स होने वाले हैं, क्रेजी एडवेंचर्स होने वाले हैं। एंड हम इतना ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, स्कीइंग करेंगे, गंडोलाज वगैरह पे चलने वाले हैं, बाइक्स हम बर्फ़ में डालने वाले हैं, बिकॉज हमने चेन्स भी, जैसा तुमने रात को देख लिया, हमने चेन्स भी बनवा ली हैं। मतलब फुल प्रेपरेशन के साथ जा रहे हैं हम, ठीक है? कपड़े वगैरह तैयार कर लिए, सारे गर्म कपड़े ले लिए हुए हैं। एंड मतलब ऑल इन ऑल सारी प्रिपरेशन हमने कर ली है। बस गाइस अब आपका सपोर्ट चाहिए हमें इस ट्रिप में। आप सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, प्यारे प्यारे कमेंट्स करो। कश्मीर आ रहे हैं, कश्मीर में भी जो भाई हैं सबसे मिलेंगे हम। कश्मीर में सर्दी भी बहुत है सुनने में आया है। तो अभी चलो, मैं फिलहाल अपना बैग्स वगैरह उठाता हूँ, बाइक पे लोड करता हूँ, एंड गाइस निकलता हूँ सिदरा की ओर। एंड वहाँ आगे के सीन्स में तुम्हें बताता हूँ। गाइस मैं तुम्हें बता दूँ, मैं ये 3 बैग्स लेने वाला हूँ। ये एक मेरा रेन पैंट है जो मैंने लिया था राइनॉक्स का, ठीक है? और ये 3 बैग्स लेने वाला हूँ, ये मैंने सक्षम से बोरो किया हुआ है गाइस, बिकॉज मेरे पास ये बैग छोटा पड़ रहा था, बिकॉज तुम्हें पता है मोटे कपड़े लेने, एंड मैं ज़्यादा कपड़े लेता नहीं हूँ एज यू ऑल नो। पिछली बार मैं बहुत कम कपड़े लिए थे। इसमें मेरे मेनली लाइक पैंट्स हैं एंड एक 2 जैकेट्स हैं। तो इसमें एक पैंट है, एक स्वेटर है, एंड ये अपना कार्बोनाडो का गाइस। तो इसमें रहेगा मेरा एक्सेसरी जो भी, मतलब इजीली एक्सेसिबल, मतलब एयरपॉड्स वगैरह, बैटरीज वगैरह, वॉलेट एंड दूसरा फ़ोन इसी में रहेगा, ठीक है? बाकी ये सब चीज़ें, ये मैंने अपनी पैंट्स लगा ली हुई हैं गाइस, अपना ये विंटर लाइनर भी लगा लिया है मैंने, ठीक है? अपनी बस जैकेट लगानी है। होप गाइस जो आज की जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है आपको ये पसंद आएगी, एंड आपने शेयर करना है ज़रूर से, बिकॉज हम बर्फ़ में जाने वाले हैं, पहली बार इतना खतरनाक एडवेंचर करने वाले हैं। मैं तो बस होप कर रहा हूँ कि जब हम वहाँ पहुँचे एंड जब हम गुलमर्ग वगैरह जा रहे हैं और बर्फ़ पड़ रही है ऊपर से, उसका ना मज़ा ही कुछ और होगा यार। एंड फाइनली निकल रहा हूँ, एंड ये रहा हमारा पेट्रोल पंप। तो यहाँ से पेट्रोल भरवा लिया है, बाइक कुछ ऐसी लग रही है। एक बैकपैक मेरे पीछे, एक बैकपैक इसके ऊपर है गाइज। माइक नहीं चल रहा था पीछे से यार, आई डोंट नो क्या मसला हो रहा है माइक में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रास्ते में धोखा ना दे दे, तो तभी मैंने यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी बैग मैंने यहाँ पे रखा यार, तो आई डोंट नो, हमारे साथ शायद गाड़ी थी, मैंने सोचा था बैग उसमें डाल देंगे, बट गाड़ी कहाँ पे वो पता नहीं है। तो गाइज़ अभी हम निकलते हैं गाइज, पेट्रोल वगैरह फिल करवा लिया है, फ़ोन वोन भी सेट है। तो अलियान ऑलरेडी आगे निकल गया, मैं माइक ठीक कर रहा था एंड वो आगे निकल गया गाइज। तो मैं पंचर किट वगैरह ले रहा था, एक भी चेक कर रहा था, माइक भी नहीं चल रहा था। तो माइक अब फाइनली अभी चल चुका है, एंड आई होप ये साथ दे अब कश्मीर में, प्लीज साथ देना चाहिए। तो बता, मैं एक्चुअली मीडिया मोड लेके आने वाला था, मैंने मीडिया मोड इसमें लगाया ना, तो मीडिया मोड से आवाज़ ही नहीं आने लगी। आई डोंट नो क्या सीन हुआ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मीडिया मोड से आवाज़ आने ही नहीं लगी यार। मतलब वो नॉइज जैसे आने लगी, शर कोई आवाज़ नहीं आने लगी। तो वरना मैं तो मीडिया मोड ही लाता, तो ये सब झंझट मार्केट अपडेट वाले झंझट से तो दूर ही हो जाता। बट नो वरी, बट क्या करेगा, जब किस्मत के लगे होते हैं ना, तब हम यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो बता रहा हूँ, टाइम हो रहा है एक दिन का, दोपहर का एक हो रहा है। अब हमें 5 घंटे तो लग ही जाएंगे, मतलब शाम को 5 बजे पहुँचेंगे। कश्मीर से फ़ोन आया था गाइस, बोल रहे हैं कि आप माइनस के ग्लव्स लेके आओ, माइनस के सॉक्स लेके आओ, जैकेट्स लेके आओ जितनी ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो अब मेरे को पता नहीं है कि मेरी क्या हालत होने वाली है आगे जाके, क्योंकि मैं तो निकल गया हूँ ऐसे ही, समझ रहे हो? ना मैंने ग्लव लिए, ना मैंने सॉक्स लिए माइनस वाले, कुछ भी नहीं लिया है। अब देखते हैं, अब उधर ही ले लूँगा यार, अगर ज़्यादा कुछ सर्दी होगी ना तो मैं उधर ही ले लूँगा, ठीक है? तो अभी फिलहाल हमारी जर्नी फाइनली स्टार्ट हो गई है। एंड गाइस मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरी वीडियो देखना अगर यहाँ तक देख रहे हो, तुमको एडवेंचर दिखाएंगे, तुमको मतलब हर एक चीज़ एक्शन दिखाएंगे, तुमको एडवेंचर दिखाएंगे, तुमको हर एक चीज़ दिखाएंगे, एंटरटेनमेंट किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। दोनों तो ऑलरेडी बहुत आगे निकल गए, अभी हमने कवर करना है 280 किलोमीटर में भी, यहाँ से 250 250 या 280 किलोमीटर से है मे बी, जितना मुझे लगता है कश्मीर यहाँ से। तो चलो जर्नी हमारी अच्छी हो, गियर्स वगैरह सारे पहन लिए,
बस ग्लव नहीं है, ग्लव में लेके आने वाला था यार, मगर कल पिकी भैया ने स्पॉन्सर ही नहीं किया यार। ये तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। हाँ इनके पास तो 390 है, इन्होंने तो आगे निकलना ही है। तुम्हारा भाई आराम आराम से चलेगा, क्या करूँ, तुम्हारे भाई की जिंदगी सोलो लिखी है यार, हमेशा सोलो ही चलता हूँ, चाहे ग्रुप के साथ जाऊँ चाहे किसी और के साथ जाऊँ, सोलो ही चलना पड़ता है। एक चीज तुम्हारे भाई ने अच्छी कर दी कि शॉकर लगा दिया यार, सीरियसली बता रहा हूँ, इतना मजा आ रहा है ना, कोई झटका ही महसूस नहीं हो रहा है, वरना तो मैं ऐसे जंपिंग जपाक बन गया था उस पे यार। इस बार मैं ना फ्यूल भी अपना लाइक वो नोट करने वाला हूँ कि कितना फ्यूल लगता है, मतलब इधर से कश्मीर जाएंगे हम, गुलमर्ग जाएंगे, पहलगाम, सोनमर्ग, पूरी ट्रिप में हमारा कितना फ्यूल लगने वाला है ना, इस बार वो भी नोट करूंगा एंड आपको भी बताऊंगा, ताकि जो आप सब भी जाना चाहो ना अगर बाइक में, तो तुम्हें पता चले कितनी अफोर्डेबिलिटी होती है और तुम्हें कितने पैसे लेने चाहिए, ठीक है। तुम्हें पूरा ट्रिप का एक्सपेंस बताने वाला हूँ इस बार, ठीक है, विंटर ट्रिप का, विंटर का, ओके। क्योंकि यार उधर के ना होटल्स के प्राइसेस ना वैरी करते हैं, समर्स में अलग होते हैं, विंटर्स में अलग होते हैं, ठीक है। अभी मैं बता दूं, सबसे पहले मैंने अभी 610 रुपीज का फ्यूल डाला हुआ है, अभी फुल टैंक किया मैंने, 610 थोड़ा सा फ्यूल इसमें था, 610 का फ्यूल अभी डाला है, अभी आगे देखते हैं ये वाला फ्यूल कहां तक चलता है और हमें कहां पे रिफिल करना होगा, ठीक है। A few inches later, फर्स्ट टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं जो कि हमें जम्मू एग्जिट करवाता है। ये रहा हमारा फर्स्ट टोल प्लाजा एंड हमारे को अभी तीन या चार टोल प्लाजा आने वाले हैं, मे बी मतलब इन टोटल 3 या 4 टोल प्लाजा आएंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है जो हमें यहाँ से बाहर निकालता है। मैं पहुंच चुका हूँ उधमपुर के बाईपास में, ये बाईपास से मैंने पास कर लिया उधमपुर को एंड यहाँ से मैं चिनैनी नाश्री टनल वाले रोड पे निकल चुका हूँ एंड स्टिल मेरे को ये बंदे नहीं दिख रहे कहाँ पे, लगता है ये अकेले राइड पे निकले हुए हैं भाई, कोई भी मतलब आगे पीछे नहीं देख रहे। 50-60 किलोमीटर चल चुका हूँ एंड ये कहीं पे भी नहीं है यार। तुम सोचो अगर इसके बीच में ही खुदा ना करे कि कुछ ऊपर नीचे हो गया, मेरी बाइक रुक गई या फॉर एग्जांपल कुछ टक्कर टुक्कर लग गई, फॉर एग्जांपल खुदा ना करे, बट मैं बोल रहा हूँ, तो ये बंदे तो निकल ही गए आगे यार। फुली यहाँ से आगे रोड ठीक हो, ठीक है, बिकॉज जो रोड खराब आता है ना वो यही है, नाश्री से आगे ही है श्रीनगर तक, तो बस होप करते हैं कि रोड ठीक हो, ज्यादा भी कुछ ना हो। और ये देखो यहाँ पे गाइस रेड मिट्टी होती है, देख रहे हो, ये रेड पहाड़ वाले इलाकों में घुस चुके हैं हम एंड गाइस इतने दिन के बाद कश्मीर जाके तुम्हारा भाई नमकीन चाय पिएगा। गाइस यार कसम से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ ना, तो मेरे को लाइक खाना खूना बनाता हूँ नहीं कुछ, तो पता है मैं चावल भी पता नहीं कितने टाइम से नहीं खाए होंगे, तो अब गाइस सबसे पहले जाके ना कश्मीर में नून चाय पियेंगे, जो जिसके लिए कश्मीर फेमस है ना, नून चाय के लिए नून चाय पियेंगे जाके, वो भी किसी साथ गिरदे के साथ एंड बटर लगा के। फाइनली गाइस चिनैनी नाश्री टनल में घुसने वाला हूँ एंड स्टिल नो साइन ऑफ देम, पूरा उधमपुर पूरा चिनैनी नाश्री, अरे मेरे को लगा ये बंदा है कसम से बता रहा हूँ। क्या यार मेरे को क्या साइको बज रहे हैं। ओके गाइस फाइनली, अरे गर्म है यार कसम से, पीछे सर्दी इतनी ज्यादा थी एंड टनल इतनी गर्म है, मगर अब तुम्हें बताऊं ये अलग सा कुछ मतलब फॉर्मूला बना हुआ है, अब यहाँ से बाहर निकलूंगा ना इतनी खतरनाक ठंड होने वाली है ना, मेरी ना वाट लग जाएगी, पहले मुझे रुकना पड़ेगा, पूरा मास्क मुंह पूरा बेलाक्लावा लगाया हुआ मैंने वो लगाना पड़ेगा, ग्लव्स है नहीं मेरे पास, बेलाक्लावा लगाना पड़ेगा एंड अपनी जैकेट बंद करनी पड़ेगी एंड मैं ये लड़ूंगा, कोई भी साइन नहीं अभी तक यार मेरे को मिल ही नहीं रहे हैं। अब ये 10 किलोमीटर लंबी टनल है, अभी इधर आराम से चलूंगा, अपनी कमर थोड़ी सी स्ट्रेट कर दूंगा बिकॉज कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है एंड यहाँ पे अंधेरा है तो शूट करके कोई फायदा नहीं है, बाहर निकलता हूँ, बाहर मिलता हूँ भाई। वेल गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ इनके पास, पूरे ना मतलब पूरे रास्ते मेरे को ये नहीं मिले भाई, कहाँ थे तुम यार, हेलो भाई, मुझे लगा तू आ गया है, ठीक है, मैं इतना तेज आ रहा हूँ, मैं पता नहीं कौन सी स्पीड में चल रहा है, इसको लग रहा था ये आगे है, ओ भाई मुझे लगा आगे चला गया, पता नहीं क्या हो गया इसको, ठीक है गाइस कसम से टनल पार किया है गाइस, इनका क्रैश भी हुआ, ये दिखा जरा एक मिनट दिखा, ये देखो खून कैसे गिरा भाई, पता ही नहीं चला यार, वो होती है ना आगे वो जो स्ट्रिप जैसी उस पे स्लिप हो गए, ओहो पैन बैग। चलो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से, कुछ फोटोज वगैरह ले रहे थे, ये ऑलरेडी रुके हुए थे यहाँ पे, ये गिरे भी हैं, ठीक है, तो अभी मुझे ये फाइनली मिल गए इतनी दूर के बाद, तो जैसा मैं तुम्हें पीछे बोल रहा हूँ तुम्हें अपना आउटफिट दिखाएंगे, ये देखो कुछ ऐसे है, अभी गाइस ये नहीं लगाया था मैंने अपना कमांडो, अभी ये कमांडो बनने वाला है गाइस, एक कमांडो हमारा वहाँ पे एक यहाँ पे, और मैं भी हूँ गाइज, मैंने भी लगा लिया, इसने भी लगाया, फर्क कितना है, ये थोड़ा इसकी जिंदगी थोड़ी कलरफुल है, मेरी ब्लैक एंड व्हाइट है अभी, ब्लैक अच्छा लग रहा है भाई, ठीक है गाइज, तो ये लगा ऐसे, अब इससे क्या होगा, हमें धूल मिट्टी से बचेंगे, ठीक है, बाल भी बचे रहेंगे मुंह भी बचा रहेगा, बाकी गाइज ये चश्मा लगाने में दिक्कत आती है गाइज, लेंस लेने पड़ेंगे गाइज, कॉन्टेक्ट लेंस स्पॉन्सर करो सैम, मेरी एक रील बना अभी इसके पीछे बैठ के, हेलमेट, चल चल बाबा लेट हो रहे हैं यार, हो गया गाइस, कमांडो था, देख लो गाइस कुछ ऐसी सी लुक आ रही है हमारी, क्या बात है, ओके गाइस अभी निकलते हैं, अभी चश्मा लगाते हैं एंड निकलते हैं, ठीक है।
लेट्स गो, निकलने की बारी आ चुकी है। यहाँ पे हो जाते हैं गाइस लोड अपनी बाइक पे, बैग रख लेते हैं इधर पे, ठीक है। यहाँ से ना रोड भी खराब आने वाला है थोड़ा सा, उसके बाद ना जहाँ पे इसका क्रैश हुआ था ना, हम वहाँ पे भी रुकने वाले हैं। बिकॉज तुम्हें पता है मैं उस टाइम इनके साथ नहीं था, तो बट वहाँ पे रुक के ना मेमोरीज जॉग करने वाले हैं हम अपनी, ठीक है। वेल गाइस देख लो कश्मीर के रास्तों के हाल कैसे हैं, ये देख रहे हो पूरा मिट्टी, ये थोड़ा ही है, बहुत कम माइन्यूट, आगे बिल्कुल हाईवे। क्या बोल रहे हैं कश्मीर अभी 160 होगा, 150 कश्मीर नहीं, टनल टनल भी मतलब समझ लो टनल है अभी 80 किलोमीटर 80-90 टनल 80-90 है। ये थोड़े थोड़े पैच है, अब तो इन्होंने पूरा जम्मू कश्मीर हाईवे ठीक कर दिया हुआ है, बस ये छोटे से बीच में पैचेस है ना जहाँ पे खराबी है, बस पूरा स्लिप मारता है यार। तुम ओवरटेक करोगे ना उसमें भी इतना स्लिप मारेगा ना टायर, वो गिर गया था, ओ बाप रे, गया था कसम से। यही तो दिक्कत है ना यहाँ की यार, ओवरटेक करने में यही दिक्कत है, स्लिप हो जाता है। फाइनली गाइस रामबन भी ओवर हो चुका है, अब इस रोड पे ना सिर्फ मिट्टी होने वाली है, धूल होने वाली है और चीकड़ होने वाली है, पूरी बाइक खराब हो जाएगी यार, धुलवाने का कोई फायदा नहीं, पीछे से बैग भी खराब हो जाएगा यार। क्या ये बीच बीच में तो ऑफ रोड के स्ट्रेचिंग आने ही है, मैंने टाइम ही नहीं देखा यार, कितना टाइम हो गया हमें चले हुए, लाइक 2 या 3 घंटे तो हो ही गए होंगे। ओ भाई बहुत रिस्की है गाइस, जम्मू कश्मीर का हाईवे बहुत रिस्की है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ पागल लोग ना रॉन्ग साइड आ जाते हैं, मतलब अपनी लेन से निकल के दूसरी लेन, 4 लेन हाईवे बीच में, और वो हमारी लेन में से चल रहे होते हैं। 2000 years later पहुंचने वाला हूँ आई थिंक मैं बानिहाल, एंड इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है तुम सोच भी नहीं सकते हो, मेरे हाथ ना बिल्कुल ठिठुर गए, और ये देखो मिट्टी के निशान कैसे पड़ गए, ये देखो धूप भी जाने वाली है, ऊपर चढ़ रही है धूप, दैट मीन्स धूप भी जाने वाली है, मैंने टाइम तब से नहीं देखा बिकॉज मैं रुका ही नहीं हूँ। भूख इतनी ज्यादा लगी है कि कोई कहने की बात नहीं है, बट यार कश्मीर आए हैं यार, इस बार वाजवान जरूर ट्राई करना है गाइस, आप सबको भी दिखाऊंगा वाजवान कैसा होता है, ठीक है। जाम गाइस, जाम क्यों है इधर यार, मुझे फिल्टर करना पड़ेगा बीच में, अगर मैं फंस गया ना निकल नहीं पाऊंगा, सीरियसली बता रहा हूँ। लेफ्ट से निकलता हूँ, लेफ्ट से लेफ्ट पुश करता हूँ गाइस, पुश करो लेफ्ट पुश करो, ओह गाइस जंप लग रही है, सुसु मंदिर निकल ना जाए बस, गियर्स धोएगा कौन। वेल गाइस फाइनली एक जगह पे रुक चुके हैं, कुछ ऐसी सी लोकेशन है, ये देखो गाइस, ये देख रहे हो, तो यहाँ पे रही अपनी बाइक, ये देखो हालत बाइक की कितनी खराब हो रखी है, ये देख लो गाइस, कल जो मैंने स्टिकर लगाया था ना वो तुम्हें दिखा नहीं पाया था, ये देखो इस पे भी है, और ये देखो कहाँ पे कैरी कर रहे हैं अपने पैम, ये देखो कितना सेक्सी है गाइस। तो अभी क्या सीन था, अभी आ रहे हैं हम बानिहाल के पास पहुँचे, वो तुम्हें पीछे सिटी दिख रही है ना, वो पीछे बानिहाल सिटी है, तो यहाँ से बानिहाल से टनल बहुत ही करीब है, मतलब हमें आधा घंटा लगेगा, हम टनल क्रॉस कर देंगे, टनल क्रॉस करने के बाद फिर हमें शायद 80 किलोमीटर और जाना है, 60 किलोमीटर ऐसा ही कुछ सीन है। बाकी मैं मुर्गा बना हूँ माइंड मत करना गाइस, वो बैलाक्लावा लगाया था ना हेलमेट में, बाल पूरे पकड़ के रह गए उसने। अभी यहाँ पे रुके हैं, कुछ खाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो खाते हैं फिर निकलते हैं गाइस, ठीक है। तो उसके ये देख लो सामान कितना है, ये हालत देखो उसकी, जैकेट निकाल ली, बैग्स भी निकाल लिए, खाना वगैरह हो गया है, एंड अब चल रही है चाय, एंड यहाँ पे देख लो अपनी बाइक, सारे बंदे चाय पी रहे हैं, बाकी हमारे साथ एक गाड़ी भी है गाइस जो कि 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से, अभी थोड़ी देर में कवर कर लेगी वो डिस्टेंस, बिकॉज पीछे से ट्रैफिक छूटा हुआ है, देखो काफ़ी ट्रैफिक छूट गया। ये निकलते हैं अब यहाँ से, एंड ये देख रहे हो मैंने यहाँ पे रेन पैंट और रेन जैकेट दोनों इस साइड रखे हुए हैं इन केस, बिकॉज जगह नहीं थी, एंड अपना ये देखो कितना सेक्सी लग रहा है टैंक यार, बट ये तो मैं दिखा नहीं पाया बिकॉज मेरे पास ये बैग है जो हमें यहाँ पे रखना पड़ रहा है बार बार, और इसके चक्कर में मेरा पूरा बैलेंस खराब हो रहा है। मेरा बैग मेरे साथ नहीं होता ना, सीरियसली बता रहा हूँ, मैं अच्छी स्पीड कर सकता था यार, मतलब ये रुक रहे ना, तो फाइनली टनल के अंदर पहुँच चुके हैं, बाहर कैमरा ऑन कर ही नहीं पाया, तो अब निकलते हैं गाइस, लेट्स गो गाइस। इसकी लेंथ का कुछ भी पता नहीं है, बट इतना पता है कि बहुत ज्यादा लंबा है यार ये। A few moments later. Shit guys, crash. Oh. अभी तो नहीं ज्यादा। पानी पीना है। भाई, बाइक उठा दो जरा। पानी पीना है, पानी ला। करो बंद, करो बंद। बंद कर दो उसको। एक मिनट। शिट।
हेलमेट है।